हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड सेशन है जिसमें हम रूट्स मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमारा मल्टीप्लिकेंट भी पॉजिटिव था एंड मल्टीप्लायर भी पॉजिटिव था। अब ये जो हमारा एग्जांपल आएगा उसका मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव होगा और मल्टीप्लायर पॉजिटिव होगा। अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो आपको उसको ट्रू कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है। लेट्स बिगिन। तो सामने एग्जाम्पल है जहाँ मल्टीप्लिकेंट आपका पी आर की वैल्यू 9 मैंने यहाँ पर मेंशन की है, बट है एक्चुअली वो -9। यानी आप देख सकते हो मैंने 01001 करके 9 मेंशन किया, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब मुझे -9 मिल गया। मतलब मेरी मुझे अभी बी आर की वैल्यू क्या यूज करनी है, 10111। और क्यू आर मेरा है दैट इज 4 और मैं उसकी वैल्यू लिखता हूँ दैट इज 100। एक्चुअली देखना जाए तो 9 को लिखने के लिए मेरे पास 4 बिट की जरूरत रहेगी, मतलब टोटल साइज जो मैं यूज कर वो 5 बिट यूज करता हूँ। देखना जाए तो 4 को मैं 3 बिट में लिख सकता हूँ, बट बिकॉज मेरे पास 9 की जो साइज है वो 4 बिट की, मैं एक इंक्रीज करके लिखता हूँ एज पर द गिवन लॉ ऑफ बूल्स मल्टीप्लिकेशन, मैं यहाँ पे 5 बिट का यूज। राइट, या फिर बी आर की वैल्यू क्या होगी, 10111। फिर बी आर डैश प्लस 1 फिर से करूंगा तो एक्चुअली देखने जाए तो -9 का और उस कॉल मैं फिर से करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज 9 नॉर्मल 01001। राइट, अब इसको मैं कहां यूज करूंगा, जब मुझे बोला जाएगा सबट्रैक्ट बी आर, तो क्यों बी आर डैश प्लस 1 यूज करूंगा। लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन और टेबल फ्रेम करते हैं। आपके पास टेबल फ्रेम हो चुका है, यहाँ पे आप एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे, दैट इज 4 बिट, आपके पास 0 लेंगे। क्यू आर की क्या ले लेंगे आप, दैट इज 00100, यहाँ पर 00100 आ गए। क्यू एन प्लस 1 जैसे आप जानते हो आप 0 लेंगे, सीक्वेंस काउंटर की साइज क्या आपके पास 5। अभी इनिशियली देखने जाए तो क्यू आर की लास्ट बिट है, क्यू एन आपके पास 0 है, क्यू एन प्लस 1 भी 0, मतलब आप क्या करेंगे दोनों वैल्यू आपके पास 00 मिल जाएगी। और दोनों अगर 0 है तो आपको सिर्फ डायरेक्टली क्या करना है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, मतलब आपकी एक्यूमुलेटर की एमएसबी एज इट इज रहेगी और बाकी सब शिफ्ट हो जाएंगे। ये शिफ्ट करेंगे तो ये लास्ट वाला आपके पास क्या आएगा, मतलब ये 1 जो आपका क्यू आर का थर्ड पोजिशन पे वो सेकंड पोजिशन पे आएगा, 0 फिर से यहाँ पर शफल हो जाएगा सीक्वेंस काउंटर में डिक्रीमेंट का। फाइन, अब फिर से देखेंगे तो क्यू आर की लास्ट बिट 0 है, क्यू एन प्लस 1 भी 0 है, मतलब यहाँ पर फिर से मैं ऐसे भी ऑपरेशन करूंगा दैट इज अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। यहाँ पर सेम एज इट इज अरिथमेटिक शिफ्ट राइट के ये 1 आपका लास्ट में आ गया दैट इज 1 और क्यू एन प्लस 1 आपका क्या हो गया दैट इज 0 और सीक्वेंस काउंटर। अब आपके पास क्या मिल रहा है 190, तो 10 मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे दैट इज सबट्रैक्ट बी आर। अब सबट्रैक्ट बी आर के अंदर क्या कर रहा है, आपके पास बी आर की वैल्यू को आप डाल देंगे बी आर डैश प्लस 1, उसकी वैल्यू क्या है 01001। अब मैंने इस चीज के लिए ऐड करना है एक्चुअली, सबट्रैक्ट बी आर जो मेंशन किया वो बी आर डैश प्लस 1 है, मतलब बी आर डैश प्लस 1 क्या हो जाएगा, वो आपका ऐड करेगा किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ। एक्यूमुलेटर की फिलहाल वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज 5 times 0। Why 5 times 0? Because size आपकी bit की कितनी है 5 zeros। यहाँ पर मैं इसके साथ add करूँगा, मुझे फिर से answer 01001 मिल जाएगा। QR की value as it is रहेगी और उसकी QN plus 1 zero as it is। मैंने arithmetic shift right कर दिया, shift right करने से ये 0 as it is रहेगा, बाकी bit shuffle हो जाएगी और ये last वाला 1 मेरा QN plus 1 में चले जाएगा, sequence counter मैंने 2 कर दिया। फिर से आप देखिए QN plus 1 आपके पास क्या है 0 and 1। अब यहाँ क्या करेंगे, add QR करेंगे, मतलब QR की value आपके पास क्या है 1011। होगी आपका जो क्यू एन का लास्ट बिट था वो क्यू एन प्लस 1 में चले जाएगा, वो आपका अगेन दोनों ऑप्शन और इक्वल सीक्वेंस काउंटर आपका क्या हो गया दैट इज 1। अब क्यू एन प्लस 1 फिर से आपके दोनों दोनों 0 है, मतलब आप सिर्फ डायरेक्टली क्या करेंगे दैट इज अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। अब अरिथमेटिक शिफ्ट राइट मैंने कर दिया तो आपके पास क्या बन गया 4 times 1 0 फॉलोड बाय 111 फॉलोड बाय 00 and 0। अब देखने जाए तो आपके पास क्या मिलता है दैट इज 94, तो 94 आपका क्या मिलेगा 36। एक्चुअली ये जो नंबर है ये नंबर को आप देखने जाएंगे तो ये 36 का 2's कॉम्प्लीमेंट।